इतने में भाजपा और भाकपा दोनों मिलकर के ट्रांसफर करा दिया, शाहपुर करा दिया। मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान अफसर नहीं चाहिए, की बात करने प्रसाद की जाति की बात नहीं करते हैं, जाति की बात क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। एनआरसी सीए जो था किसके लिए था, उन सभी गरीबों के लिए था जिसके पास पर्चा नहीं था। हर दलित भाई बिहार में है, हैं पिछड़े हैं, तो उनके लिए प्रशांत किशोर को अभी अपने मुख खोले हैं। ये भाजपा के बी टीम है, भाजपा प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम है, चैलेंज कर रहे हैं आपको। ये वोट सिर्फ आए हैं काटने के लिए, और जो लोग बोल रहे हैं कि माने यहाँ पर आरजेडी चाहे गठबंधन कुछ नहीं किया, वो 17 महीने का सरकार में दिखा दिया, 5 लाख नौकरी मिला। क्या इससे पहले कभी बीपीएससी से शिक्षकों को वैकेंसी हुआ था? कही ना कि हिंदू बनाएंगे आपको, कैसे बनाएंगे, कह रहे हैं सांसद, कह रहे हैं सांसद, कह रहे नहीं बनाएंगे, कैसे कह रहे हैं, उन्हीं की सरकार है, बनना पड़ेगा, उन्हीं की सरकार है, बनना पड़ेगा। भाजपा सही है, सुनील अभी चल गए भाजपा में, भाजपा ही सही कह रहे हैं, भाजपा सही कह रहे हैं, सुनील पांडे चले गए भाजपा में। क्या तो कहिए दिए जो खाना था, हाँ आप ये बात आप कहा कि वो बोले थे अगले इलेक्शन में हमारे माननीय विधायक यहाँ के पूर्व विधायक पांडे जी भी गांव में कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मन यही इसी गांव में जी सांप्रदायिक रंग देने हमने कोशिश की लेकिन जब मुंह के खानी पड़ी तब बोलती सब ये वो कौम है, वो कौम मुर्दा कौम नहीं है, जिंदा कौम मरना जानती है, जिंदा रहना नहीं। तो सर ये मरना जानती है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, देखिए धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हम और आप मानेंगे तब है, नहीं मानेंगे तो मानना तो पड़ेगा, संविधान से देश चलता है, संविधान से देश चलता है, मानना पड़ेगा। लेकिन वो संविधान पर जो बैठ गया अभी जो देश में वो तो कहने का मतलब संविधान को तर्क कर रहा है, देखिए कोई संविधान को रसातल में ले जा रहा है, उसको बदलने के लिए हमें हमारे प्रशांत जी ने बिहार में बीड़ा उठाया है, और हमें लगता है कि प्रशांत जी एक बेहतर विकल्प है और अच्छा काम करेंगे और अच्छे लोगों के साथ अभी रहेंगे। अभी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था रिजर्वेशन को लेकर, SC ST के वर्गीकरण का फैसला, उपवर्गीकरण का फैसला आया था, आपके इनका बयान में समर्थन था कि हम समर्थन करते उपवर्गीकरण का, प्रशांत किशोर ने समर्थन कर दिया, क्या चीज का समर्थन, उपवर्गीकरण का फैसला आया था SC ST रिजर्वेशन में, ये इन्होंने समर्थन पूरा नहीं पढ़ा होगा, अगर वो अध्ययन कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट को अध्ययन कर लेंगे तो ये गरीब परवर आदमी है, कभी आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे, हमें उम्मीद है जी, ये हमें उम्मीद है कि इन्होंने नहीं करेंगे। हम पूछ रहे हैं कि सब लोग कहता था कि कांग्रेस भी आरक्षण का विरोधी है, लेकिन आज सर्वे कराने के लिए कांग्रेस केंद्र से लेकर सभी जगह आह्वान कर रही है, आप जाति सर्वे के पक्ष में है, एकदम सर्वे के पक्ष में है, सर्वे होना चाहिए, जिसका जितना भागीदारी उतना हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप 18% है ऐसे कहा जा रहा है, कितना चाहिए? 18% है कि 20% है, वो तो सर्वे होगा तब पता चलेगा, बिहार में तो हो गया, बिहार में तो बिहार में 18% हम है, हम बिहार में 18%, अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिएगा ना, ये मुख्यमंत्री कोई जरूरी नहीं है, जरूरी आपका हमारे भाई में से कोई बनेगा, अरे जिसका आप ही ने बोला जी कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ उसको उतने से दारी, जब हम विधानसभा में जिता कर हमारे कैंडिडेट जाएंगे वही ना चुनाव करेंगे बाबू, तो जब हमारा सदस्य नहीं होगा चाहिएगा ना, हमारा सदस्य नहीं होगा हम कैसे बनेंगे, कौन बना देगा, बना देगा कोई, जब हम सदस्य हमारा जीता के जाएंगे, प्रशांत जी का पूरे बिहार से जीत के जाएगा, अधिक से अधिक संख्या होगा तो प्रशांत जी उस पर चयन करेंगे और सारे विधायकों ने चयन करके एक मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसी तरह वो खुद नहीं बनेंगे, वो खुद का घोषणा कर दिए, तो आप उनको उन पर कटाक्ष क्यों कर रहे हैं, इसका ब्राह्मण है तो कटाक्ष नहीं सवाल है ना, आपको पिछड़ा अगला क्यों लगा रहे हैं, आप लोग क्यों पिछड़ा अगला, मड़ाई में आपके बगल में दलित बस्ती है, मड़ाई में जगता बाबू, सुनिए जगता बाबू बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के
अध्यक्ष है प्रांतीय जगदानंद बाबू अगर नहीं बोलेंगे तो कुर्सियां रहेगा उनका कुर्सियां ना रहेगा। वो कई परसेंट बाबू साहब का वोट कन्वर्ट कराते हैं आरजेडी में, अब उखड़े कराते हैं पहले बता दीजिए आप, नहीं करा पाते हैं। हम ही बोला था उनको चैम्बर में, कहा कि आप बढ़हरा में क्यों नहीं छुपा दिया, हमारे वोट पर आप बात कर रहे हैं कि आप लोग नहीं ऐसी कर दिया, आपने दिया नहीं दिया, तो उनका कुर्सियां बचाना है भाई, अपने बेटे को आगे बढ़ाना। यही बात करारी में जन स्वराज के आने से एमवाई टूट गया, एमवाई टूट गया। एमवाई की बात न कीजिए, भाई की बात कीजिए, भाई भाई है, हाँ भाई की बात कीजिए। तेजस्वी माई की बात कर रहा है, बीजेपी माई की बात नहीं कर रहा, तेजस्वी माई की बात, माने आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी कहता है कि सबका साथ सबका विकास, सुनिए ना बाबू, बीजेपी कहता है कि सबका साथ सबका विकास, जुबानी जंग जुबान से ले गया, लेकिन सबका साथ सबका विकास आप नजर आ रहा है। हमारे पत्रकार भाइयों जितने भी लोग हैं ये बताएं कि ऐसा है हुआ किया, जितना जुमला फेंकना है वो बीजेपी के पास है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री को ऐसी कोई बात नहीं शब्द बोलेंगे, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कोई ऐसी शब्द नहीं बोला जाए जिससे किसी को। आपके नेता प्रशांत किशोर का एनआरसी को लेकर कोई बयान आया था? एनआरसी सुनिए, एनआरसी हमारे लिए ही नहीं है, इस देश के उन गरीबों के लिए है, उन दलितों के लिए है जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं। तो बयान कहीं नहीं दिया था? कौन बयान? बयान कोई जरूरी थोड़ी है कि बयान देंगे, वो दलितों के लिए भी है, वो मजलूमों के लिए भी है। समझ गए, आप कहने खड़े कह रहे हैं तो कौन बयान दिया? क्या कहने साहब, क्या कह रहे हैं? अपने लेकिन उनके वोट पर दलितों के पिछले के वोट पर राजनीति करेंगे कि कहाँ की बात है, मन उनके मन ही के अधिकार के लिए जब बात आएगा लड़ने के लिए तब पीछे हटिएगा। जाति की बात करने प्रशांत की जाति की बात नहीं करते हैं, जाति की बात कहाँ कर रहे हैं? एनआरसी सीए जो था किसके लिए था? उन सभी गरीबों के लिए था जिसके पास पर्चा नहीं था, हमारे दलित भाई बिहार में है पिछड़े है, उनके लिए प्रशांत किशोर को अपने मुख खोले, ये भाजपा के बी टीम है, भाजपा प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम है, चैलेंज कर रहे हैं आपको, ये वोट सिर्फ आए हैं काटने के लिए। और जो लोग बोल रहे हैं कि माने यहाँ पर आरजेडी चाहे गठबंधन कुछ नहीं किया, उस 17 महीने का सरकार में दिखा दिया 5 लाख नौकरी मिला, क्या इससे पहले कभी बीपीएससी से शिक्षकों का वैकेंसी हुआ था? नहीं हुआ था, कब हुआ था? क्या कह रहे हैं कि 5 लाख में गठबंधन का सरकार में हुआ था? आपका जवाब एक मिनट, महागठबंधन के ही सरकार में हुआ था, ये बताइए कि सुन लीजिए, महागठबंधन के सरकार में मुस्लिम को इन लोग नजरअंदाज क्यों करते हैं? इनसे पूछिए, सबसे बड़ा तो मुद्दा ये बताइए ना। दीन साहब एक बार फिर हम दिए थे आपको यहाँ पर इंटरव्यू दिए थे ना, साहबुद्दीन जैसा आदमी कोई बिहार में है? बिहार बता रहे नहीं बताइए, महबूब आलम, महबूब आलम बिहार का, अब नहीं छोड़िए ना, सुनिए, साहबुद्दीन जैसा आदमी, साहबुद्दीन जैसा आदमी सुनिए, साहबुद्दीन जैसा आदमी जो है भारत के लिए अपना जान दे दिए, लेकिन जब उनको नहीं हुए तो ये कैसे हो रहे हैं? उसके विरोध में बोल रहे हैं कि बी टीम है, अभी बोल रहे हैं ये बी टीम कैसे हो गया, आप बताइए ना बी टीम कहाँ से हो गया? मोदी साहब, मोदी साहब इधर लाओ, लाओ लाओ इसका जवाब, बी टीम हो गया बाबू, सुनो चलो मेरे गांव में 10 साल से चलो सहार, चलो चलो जहां मीटिंग हुआ था उस रोड का स्थिति देख कर क्या लोग आए होंगे, पीरो के लोग थे, ये तो सवाल उठते हैं तरारी में, बस चल कर देखो, दो टर्म चलो, दो टर्म ये विधायक रहे, सांसद भी जीत कर गए, आप बताइए इनको वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए, मुसलमान अफसर नहीं चाहिए, अभी इंदिरा आवास पर्यवेक्षक सहार में एक लड़का गया, समझ गए, उसको उसको तुरंत 2 महीने में भाजपा और
भाजपा दोनों मिलकर के ट्रांसफर करा दिया शाहपुर करा दिया। मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान अफसर नहीं चाहिए, मैं पीरो का नगर अध्यक्ष है, राजद का मैं पीरो का नगर अध्यक्ष है। राजू यादव जब नॉमिनेशन किए हैं किसी को पूछे है, नॉमिनेशन में किसी को पूछे है, पीरो के नगर का हम नगर अध्यक्ष है राजद का। जब वो हम राजद जब वो हमको नहीं पूछे, नजरअंदाज कर रहे हैं, बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए महागठबंधन से बढ़िया कहीं कहीं भाजपा सही है। सुनील पांडे जो अभी चले गए भाजपा में, भाजपा ही सही कर रहे हैं। सुनील पांडे चले गए भाजपा में, लेकिन वो सही है, किसी से नहीं है। राजू यादव जन जन का नेता है, युवाओं का चहेता है, लेकिन ये जनता राजू यादव को भारी मोहम्मद से जिताएंगे। समझ में नहीं आ रहा कि आप जनसुराज से प्यार करते हैं और सुनील पांडे से भी प्यार करते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। सुनील पांडे विकास पुरुष है, वो भले हमको नजरअंदाज करके बीजेपी में चले गए, जनसुराज में नहीं गए, नहीं तो ये सारा वोट जो है मुसलमान का इसी में जाते, सुनील पांडे में जाते। लेकिन ये पार्टी के लेवल में जब चले गए, नहीं तो विकास पुरुष ये सुनील पांडे है। अभी मोहब्बत है सुनील पांडे से, मोहब्बत है जनता का, अभी भी वो जीत नहीं। जनसुराज में कैसे आ गए आप? जनसुराज में कैसे आ गए? जनसुराज में नहीं है। हाँ, ये नॉमिनेशन है, बोल रहे नॉमिनेशन है। हम तो जनता है, हम तो जा रहे आ रहे हैं। हम देखे भीड़, राजू यादव का तारीफ कर, राजद का नगर अध्यक्ष है और मोहब्बत नीति सुनील पांडे जी से है। इन्हीं से पूछिए ना, अरे आप बताइए ना। हम तो बोल, राजद के नगर अध्यक्ष है, मोहब्बत सुनील पांडे जी से है। हाँ, इसलिए है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। राजू यादव जिस दिन नॉमिनेशन किए वो हम लोग को पूछे, बुलाए हमको, जनता दल जब नहीं बुलाए तो ये बात वो समझ रहे कि मुसलमान जाएगा किधर। उन लोग का कुछ विकल्प नहीं है, वो सीधे मेरे पार्टी में ही आएंगे गठबंधन में। अभी मुसलमान का वोट जो है ये सुशांत इनका में जाएगा, समझ गए। सुनिए, सुनील पांडे जी बीजेपी से हैं, बीजेपी जदयू अभी संगठन में एक साथ है, एनडीए सरकार है। अब सुनिए, अररिया के सांसद है, कह रहे हैं अररिया में आपको आना है तो हिंदू बंद करा देना, भगा देंगे आपको। क्या जवाब है? जी हाँ, क्या जवाब है? आपको हिंदू बनना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, तो कैसे कह सकते हैं बनना पड़ेगा? ऐसा हाँ, कैसा है? हाँ, क्या कहते नहीं, क्या कहते नहीं, हाँ हिंदू बन गई, हाँ हाँ क्या है, हाँ हाँ कपना, अरे जदयू बीजेपी वाले तो कहिए ना कि हिंदू बनाएंगे आपको, कैसे बनाएंगे? कह रहे हैं सांसद, कह रहे हैं सांसद, कह रहे हैं नहीं बनाएंगे, कैसे कह रहे हैं? नहीं बनाएंगे, उन्हीं की सरकार है, बनना पड़ेगा, उन्हीं की सरकार है, बनना पड़ेगा। हम लंदन है, जनता दल है, जनता दल रहेंगे। आप कहीं कहीं बार पक्का है, जन जन की खेले खेले कमी के, हाँ हम लोग यही सब हम के मिलिया हिंदू न कह बस तीन तरह चलिए चलिए ठीक है ठीक है। लंबा चलो जाए,